हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा और आप देख रहे हैं जागरण जोश। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की और जानेंगे उनके सही जवाब। इसी के साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। इसका सही जवाब है 100 मीट्रिक टन। कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। इस गैस का उपयोग पाइपलाइन प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य के स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक साल 30 मई को मनाया जाता है। दरअसल इसे मनाने का मुख्य कारण ये है कि इसी दिन साल 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उद्दंत मातंड प्रकाशित होना शुरू हुआ था। आपको बता दें कि इसका प्रकाशन तत्कालीन कलकत्ता शहर से किया जाता था और इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। वर्ष वैश्विक व्यस्क तंबाकू सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में NTCP वर्ष 2012 में लागू किया गया, तब राज्य में तंबाकू सेवन की दर 51.1% थी, जिनमें 48% लोग गैर धूम्रपान तरीके से इसका सेवन करते थे। GTS2 रिपोर्ट साल 2018 में प्रकाशित की गई, जिसके मुताबिक झारखंड में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या घटकर 38.9% पर आ गई, जिनमें 35.4% लोग गैर धूम्रपान तरीके से इसका सेवन करते थे। IPL 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 के फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 130 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 18.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल लिया। गुजरात ने पहले सीजन में ही खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। गुजरात टाइटंस इंडिया प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली छठी टीम है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 मई। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन काठमांडू, नेपाल और एवरेस्ट क्षेत्र में जुलूसों, स्मारक कार्यक्रमों और विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। यह दिन हर साल माउंट की पहली चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है? इसका सही जवाब है रूस। रूस ने 28 मई 2022 को अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का बेरिंग सागर में सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल ने सफेद सागर में 1000 किलोमीटर से थोड़ी दूरी पर मौजूद टारगेट को सटीकता से नष्ट कर दिया। इस मिसाइल की गति ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा गति में यात्रा कर सकती है। जिरकॉन मिसाइल एक सेकेंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब आपसे वो सवाल पूछते हैं जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी देती है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है। राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ब्रतस्य बसु ने बताया कि राज्य विधानसभा में जल्द ही विधेयक के रूप में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्य के 17 राज्य संचालित यूनिवर्सिटियों के पदेन कुलाधिपति हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाले हैं। चलिए अब वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछते हैं। तो सवाल ये है कि किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला माकाक रखा गया है? इसके ऑप्शंस है पंजाब, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश।
इसका सही जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताएं। और इसी के साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।